स्टार्ट करेंगे क्लास फोर का मैथ्स चैप्टर नंबर फाइव। नेम ऑफ द चैप्टर इज द वे द वर्ल्ड लुक्स। बेटा इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली इस चैप्टर में जो चीज़ें बताई गई हैं, जो मेन कंसेप्ट है वो व्यू का है। जैसे कि जब आप किसी चीज़ को डिफरेंट व्यू से देखते हैं बच्चों, तो उसका जो शेप है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट व्यूज़, जैसे कि टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को समझते हैं, सीखते हैं। द वे द वर्ल्ड लुक्स, इसमें एक स्टोरी दी हुई है आपको, गप्पूज एयर जर्नी। ठीक है, गप्पू कौन है, चलिए देखते हैं। एयर जर्नी, गप्पू वॉज ए ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू कौन है बेटा, गप्पू वॉज ए ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू एक बहादुर चूहा था। वन डे ही सॉ चिल्ड्रंस प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बैलून। एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं किसके साथ, एक बड़े गैस बैलून के साथ। द बैलून वेंट अप एंड टच द रूफ। तो बैलून क्या है, ऊपर चला जाता है और जो हमारे घर की छत होती है उसको टच करता है, टच द रूफ। गप्पू वॉज थ्रिल्ड, गप्पू बहुत एक्साइटेड हो गया था। ही गॉट एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रंस वेंट टू स्कूल, अगले दिन क्या होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, द चिल्ड्रंस वेंट टू स्कूल, गप्पू क्लाइंब्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून, ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम द अबव। ओके बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो गप्पू है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये रहा गप्पू, गप्पू दिस इज गप्पू। ठीक है, ये एक माउस है, चूहे का नाम है इस स्टोरी में गप्पू। तो ये जो गैस वाला बैलून होता है इसके थ्रू ऊपर उड़ जाता है और वहां से हर चीज को ऊपर से देख रहा है। जब आप किसी चीज को ऊपर से देखते हैं बेटा, अब ये इस फैन के ब्लेड को ऊपर से देख पा रहा है। ठीक है, ये फैन है और ये इसके क्या है, ये ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये इनको ऊपर से देख पा रहा है। जब आप किसी चीज को ऊपर से देखते हो बेटा, तो उसको बोलते हैं टॉप व्यू। ठीक है, हेयर द गप्पू इज सीइंग द टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू में उसने क्या देखा, आइए देखते हैं। ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम द अबव। ओके, तो जो फैन के ब्लेड्स हैं उनको वो ऊपर से देख पा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो ऊपर से जब कोई चीज देख रहा है तो वो टॉप व्यू देख रहा है। देर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स फ्रॉम, जब वो ऊपर से देखता है तो क्या उसको दिखता है, यहाँ पर उसको क्या दिख रहा है, ये फैन के ब्लेड्स पर ये क्या दिख रहा है बच्चों, दिस इज डर्ट। ठीक है, गंदगी दिखती है उसको क्योंकि वो ऊपर से देख पा रहा है। फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन, और नीचे से जब इसको हम फैन को देखेंगे तो वो बहुत क्लीन दिखता है। तो जब हम नीचे से देखेंगे तो फैन कैसा दिखेगा आपको मैं दिखाता हूँ। जब हम नीचे से फैन को देखते हैं तो हमें वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं, जब आप इसको नीचे से देखते हो बच्चों, तो ये है आपका बॉटम व्यू। ओके, यहाँ आप क्या कर रहे हो, नीचे से देख रहे हो उसको, दिस इज बॉटम व्यू। नीचे से जब आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं बॉटम व्यू। ठीक है, तो गप्पू वॉज सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अबव। तो गप्पू तो ऊपर से देख रहा था, इसलिए जब भी आप ऊपर से किसी चीज को देखते हो तो उसको बोलेंगे टॉप व्यू। सो ही कुड सी इजिली द चीज कैप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग। आइए, ये चीज की बात कहाँ से आती है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। अब आपको ये बताना है कि जो फैन है वो नीचे से कैसे दिखेगा। तो फैन बेटा नीचे से कैसे दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। आप बॉटम व्यू, जब आप किसी चीज को फैन को नीचे से ऐसे देखेंगे ऊपर की तरफ, तो वो कैसा दिखेगा, उस व्यू को बोलेंगे बॉटम व्यू। और कैसा दिखेगा ये आपको कॉपी में बनाना है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऑल राइट, ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो, ये आपका हो जाएगा। गप्पू लुक डाउन, ही कुड सी द बेड द चेयर वन टेबल विद बुक्स ऑन इट एंड अदर टेबल्स विद अ बॉटल अ जग फ्रूट एटसेट्रा। तब गप्पू जब यहाँ पर देखो बच्चों ऊपर उड़ गया था, तो वो ऊपर से जो नीचे घर में चीजें रखी हुई थी उनको देख पा रहा था। क्या क्या चीजें देख पा रहा था, ही कुड सी बेड, बेड को देख पा रहा था, चेयर देख पा रहा था, टेबल देख पा रहा था, टेबल पर रखी हुई बुक्स को देख पा रहा था, एंड द अदर टेबल्स बॉटल एंड जग, ये सारी चीजें देख पा रहा था। लुक फॉर दीज थिंग्स इन दी फोटो, ये देखिए बच्चों ये ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो ये सारी चीजों का क्या दिख रहा है हमें, टॉप व्यू है, इसको हम बोलेंगे टॉप व्यू। जब आप किसी टेबल को ऊपर से देखेंगे तो वो किस तरीके से दिखेगी, वो इस तरीके से दिखेगी, तो ये टॉप व्यू है। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ बताया गया है,
दैट स्टूपिड चिंकी, चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, चिंकी क्या ढूंढ रही थी, चीज देख रही थी, कांट इवन सी इट इज कैप्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग, और वो चीज कहाँ पर रखा हुआ था, टॉप ऑफ द जग, जग के ऊपर रखा हुआ था, जो कि चिंकी को नहीं दिख रहा था, मगर गप्पू को दिखा, क्यों दिखा, क्योंकि गप्पू ऊपर से देख रहा था। तो देखते हैं इसका जो आंसर था वो यहाँ पर था, ठीक है, गप्पू तो यहाँ पर था, हवा में उड़ा हुआ था, गप्पू कहाँ है बच्चों, यहाँ पर आपका बैलून था और यहाँ पर गप्पू था, तो गप्पू जो नीचे रखी हुई चीजें थी टेबल पर, जग पर जो रखा हुआ था चीज, उसको इजीली देख पा रहा था टॉप व्यू के थ्रू, ठीक है ना। तो ही कुड सी इजीली चीज कैप्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग, वेयर एज चिंकी वॉज रनिंग ऑन द फ्लोर, चिंकी कहाँ थी, जमीन पर, फर्श पर दौड़ रही थी, इसीलिए उसको वो चीजें, चीज नहीं देख रहा था। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, जब आप ऊपर से देख रहे थे तो उसको वो देख पा रहा था। आगे चलते हैं, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट सी। अब यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है, आंसर बताइए कि गप्पू को वो जो चीज था वो इजिली दिख गया बट चिंकी को नहीं दिखा, वाई, गप्पू कुड सी द चीज इजिली बिकॉज गप्पू वॉज सींग दैट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम द टॉप, वेयर एज चिंकी वॉज रनिंग ऑन द फ्लोर, है ना। इसका आंसर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये इसका आंसर भी लिखा हुआ है, हेयर इट इज द आंसर, यू कैन सी और यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, ओके। जस्ट देन ए स्ट्रॉन्ग विंड पुश द बैलून आउट ऑफ द रूम, तभी क्या होता है बच्चों, एकदम अचानक से तेज हवा चलती है और जो बलून है वो रूम से बाहर आ जाता है। When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks small. How is that? अब जो गप्पू है वो बोलता है कि जब मैं अपने घर में दौड़ता हूँ तो वो मुझे बहुत बड़ा लगता है। I ran around in my house, it looks so big. वो मुझे बहुत बड़ा लगता है, but from here, but मैं जब ऊपर से देख रहा हूँ तो वो मुझे बहुत छोटा लग रहा है। How is that? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कौन बताएगा? जिसको, जो बच्चा आंसर करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है, जब आप किसी चीज को दूर से देखते हैं, जब आप किसी चीज को दूर से देखेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको छोटी दिखेगी और जितना आप उसको पास से देखेंगे उतनी आपको वो बड़ी दिखेगी, ओके। तो अभी गप्पू क्या था, ऊपर उड़ गया था, इसलिए उसको चीजें कैसी दिख रही थी, छोटी दिख रही थी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने कभी एरोप्लेन में क्या किया है, ट्रेवल किया है, तो एरोप्लेन में भी बेटा क्या होता है, जब आप एरोप्लेन की विंडो से नीचे देखते हैं तो आपको चीजें क्या है, बहुत छोटी दिखती हैं। क्यों दिखती हैं? उस टाइम जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हमें चीजें जो होती हैं वो बहुत छोटी दिखती हैं। द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्ट गोइंग अप इन द स्काई, ठीक है। अभी क्या हुआ, गप्पू हवा से, बैलून जो है घर से बाहर निकल जाता है और गप्पू आसमान में उड़ने लगता है। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस, जब वो नीचे देखता है तो वो अपने घर को देख पा रहा होता है। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप, सुहासिनीज हाउस विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। तो वो क्या क्या चीजें, जब वो गप्पू, ये रहा गप्पू, गप्पू जो है हवा वह ऊपर उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है और वो वहां से उसको चीजों को देख रहा है, तो जब वो देखता है तो उसको क्या क्या चीजें दिखती हैं, उसको अपने घर के पास का पार्क दिखता है, गुरुद्वारा दिखता है, रेलवे लाइन दिखती है, स्वीट शॉप दिखती है, सुहासिनीज हाउस दिखता है और उसको ऊपर एक बड़ा जो पानी की टंकी है वो दिखती है। अब ये मुझे बताइए, ये जो गुरुद्वारा है, रेलवे लाइन है, इनका उसको कौन सा वाला व्यू दिख रहा होगा, टॉप व्यू दिख रहा होगा, साइड व्यू दिख रहा होगा, या बॉटम व्यू दिख रहा होगा, या फ्रंट व्यू दिख रहा होगा, कौन सा व्यू गप्पू को दिख रहा होगा इस पोजीशन में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, गप्पू बोलता है वो रेलवे ट्रैक पर कौन है, इज इट दैट फैट कैट मोंटी, क्या वो फैट कैट मोंटी है, क्या वो मोटी कैट मोंटी है, हा हा हा, फ्रॉम हियर इट लुक लाइक ए बिग वाइट माउस, और यहाँ से तो वो एक बड़ा चूहे की तरह दिख रही है। This must be a gurudwara, और ये ऊपर से क्या लग रहा है, गुरुद्वारा है, where Amarjit goes every day, जहाँ पर अमरजीत जाता है। तो आइए हम उस पिक्चर को देखते हैं, ये रहा, ये बच्चों टॉप व्यू है, ओके, जो गप्पू देख पा रहा है ऊपर से, तो जो गुरुद्वारा है वो ये रहा, ठीक है ना, ये है गुरुद्वारा,
ये जो ऊपर से देख पा रहा है, ठीक है ना, और रेलवे ट्रैक कहाँ है, ये रहा रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और मोंटी कैट कहाँ है, ये रही मोंटी कैट, ये रही मोंटी कैट, ठीक है, ये सारी चीजें गप्पू क्या है ऊपर से देख पा रहा है, दिस इज मोंटी कैट। और क्या क्या दिख रहा था उसको, और भी बहुत सारी चीजें दिख रही थी, प्ले ग्राउंड दिख रहा था, तो ये प्ले ग्राउंड है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, ये सुहासनीज हाउस है, जहाँ पर रूफ पर क्या रखा हुआ है बच्चों, एक वाटर टैंक रखा हुआ है, तो ये सारी चीजों का टॉप व्यू ऊपर से गप्पू देख पा रहा था। तो आइए आगे चलते हैं। आई डिड नॉट नो देर इज अ स्वीट शॉप हेयर, यमी, गप्पू ये रहा, गप्पू बोलता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक स्वीट शॉप भी है, मिठाई की दुकान भी है। आगे चलते हैं। इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम दी अबव, आप बच्चों इमेजिन करिए आपका जो क्लासरूम है वो कैसा दिखेगा अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क दी बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडोज एक्सेट्रा। आपकी क्लास में क्या होता है, जनरली बेंचेस होती हैं, चेयर्स होती हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, डोर होती है, विंडोज होती हैं, ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं नॉर्मली। तो आप इनको अगर ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू आपको कैसा दिखेगा, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे, ये आपका टॉप व्यू है, यहाँ पर बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए डोर्स हैं, ये विंडोज हैं, ये कबर्ड आपको इस तरीके से दिखेगी, ये रही कबर्ड, कबर्ड ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, ये कबर्ड इस तरीके से दिखेगी आपको, ये डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा जब आप ऊपर से देखेंगे, बेंचेस आपको ये बेंचेस ऐसे दिखेंगी बेटा, ये उसमें चेयर्स इस तरीके से दिखेंगी, और क्या क्या दिख रहा है, ये आपका ब्लैक बोर्ड ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा बेटा, ठीक है, और क्या है, यहाँ पर शेल्फ्स हैं, ये शेल्फ्स आपको ऐसी दिखेंगी। तो ये जो आपका क्लासरूम है ये इसका टॉप व्यू है, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। आगे चलते हैं बच्चों। द बैलून वेंट अप अप एंड अप, जो बैलून था वो ऊपर जाता जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज, और गप्पू ये सोच रहा था ये जो वर्ल्ड है ये कितना बड़ा है। नाउ ही कुड सी लॉट ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस, और गप्पू क्या देख पा रहा था, ऊपर से बहुत सारे हाउसेस देख पा रहा था, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस को देख पा रहा था। वो इज दैट देयर अ ट्रेन लुकिंग लाइक ए लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम देयर, और गप्पू ये रहा, गप्पू बच्चों ये ऊपर से जब देख रहा था ट्रेन को, ये रेलवे ट्रैक था, इस पर ट्रेन आ रही थी, तो वो उसको कैसी दिख रही थी, एक लॉन्ग बॉक्स की तरह दिख रही थी, जैसे कि ये रेलवे ट्रैक है और इस पर जो ट्रेन दिख रही थी एक लॉन्ग बॉक्स की तरह दिख रही थी, इस तरीके से इसको दिख रही थी। और जो कार और बसेस थी, दीज कार एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हेयर, और जो कार और बसेस थी वो बहुत छोटी दिख रही थी, जस्ट लाइक ए टॉय, एंड पीपल लुक लाइक आंट, और जो इंसान थे वो बस चींटी की तरह दिख रहे थे, इतना ऊपर गप्पू उड़ गया था। क्यों ऐसा हो रहा था ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितनी आप दूर जाएंगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना डिस्टेंस बढ़ेगा तो उतना ही क्या होगा बच्चों, चीजें छोटी हो जाएंगी। आगे चलते हैं। सडनली देयर वॉज ए लाउड साउंड, अचानक से क्या होता है, एक लाउड साउंड आती है, एक तेज आवाज आती है, फट द बैलून बस्ट, और जो गुब्बारा था वो फट जाता है, एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन, एंड एवरीथिंग स्टार्ट लुकिंग बिगर एंड बिगर, धप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूअल मोंटी हु रैन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अचानक से एक बहुत तेज आवाज आती है, फट, और बैलून जो है फट जाता है, और जो गप्पू होता है वो नीचे आता जाता है, आता जाता है, और जैसे ही वो नीचे आता है चीजें उसको बड़ी दिखने लगती हैं, बड़ी दिखने लगती हैं, क्यों दिखती हैं, क्योंकि अब जो है डिस्टेंस कम हो रहा है, चीजों का साइज बड़ा होता जा रहा है, और गप्पू जो है रेलवे ट्रैक पर धप से गिरता है, और वहां पर उसको कौन मिलता है, क्रूअल मोंटी, जो मैंने बताया था क्या था, कैट थी, बिल्ली थी, जो गप्पू के पीछे दौड़ती है, और अदर और जो दूसरे चूहे थे रेलवे ट्रैक पे वो सब गप्पू के पीछे दौड़ते हैं। When गप्पू saw the railway track from above, it looked like this. ये जब ये जो ट्रैक का व्यू है बच्चों, ये है टॉप व्यू, ओके? ये जब ऊपर से गप्पू ने देखा था तो उसको रेलवे ट्रैक कुछ इस तरीके से देखा था, मगर जब गप्पू इसके ऊपर गिर गया तो इसके जो डिजाइन है, उसका जो साइज है वो चेंज हो गया, अब गप्पू को रेलवे ट्रैक कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ये देखिए, ठीक
इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जो पटरियां हैं ये जाके मिल रही हैं और वी शेप सा बन रहा है, मगर ऊपर से ये दोनों लाइन उसको पैरलर इस तरीके से दिख रही थी। When he fell on the track, the railway line looked like this. जब वो उसके ऊपर गिर गया गप्पू तो उसको रेलवे लाइन कुछ इस तरीके से दिखी। तो ये है इसका साइड व्यू, जब ऊपर से देख रहे थे वो था टॉप व्यू। आप एक ही ऑब्जेक्ट को अगर डिफरेंट व्यूज से देखेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे, तो उसकी जो इमेज है वो भी चेंज हो जाती है, साइज भी चेंज हो जाता है। ओ थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। और गप्पू को भी ये पता चल जाता है कि अगर हम चीज़ों को डिफरेंट व्यूज से, डिफरेंट एंगल्स से देखेंगे, जैसे कि टॉप व्यू देखा, साइड व्यू देखा, तो वो उनका जो साइज है वो डिफरेंट होता है। अब इन्होंने यहाँ पर बताया है, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है, जैसे कि आप जब किसी चीज़ को देखते हैं, साइड व्यू जब देखते हैं, तो वो क्या है, आपको जब डिस्टेंस दूर जाता जाता है तो वो आपको ऐसा लगता है कि वो आगे जाके मिल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। जैसे ये कैंडल्स हैं, ये भी इस तरीके से लग रहा है कि आगे जाके मिल रहे हैं। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट द एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। पास में तो वो आपको बिग दिखती हैं और डिस्टेंस दिखता है, बट अदर एंड पे नैरो दिखता है। नैरो मतलब कम हो जाता है डिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ता है बच्चों, तो साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है, इसीलिए ऐसा हमें दिखता है। आगे चलते हैं, यहां पर हमें मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज, सेम पोज के हमें दो व्यूज को मैच करना है। दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोजीशन। ये जो व्यू दे रखा है ये हमें टॉप व्यू दे रखा है। अभी हमें क्या करना है, इसमें से एक पोजीशन इसकी देखनी है जो इसको मैच कर रही हो। अगर हम इसमें देखें, इस गर्ल का जो ये हैंड है जो इसने स्ट्रेच किया हुआ है, वो कौन सा हैंड है बच्चों? राइट हैंड है जो इसने स्ट्रेच किया हुआ है। और जो ये लेग है ये कौन सा है? राइट लेग है। ठीक है ना, तो हम इसी के थ्रू इन पिक्चर्स में देखेंगे कि कौन सा फिगर कौन सी सेम पोजीशन है। तो इसमें देखें तो ये इसका लेफ्ट लेग है, तो ये तो होगा नहीं बच्चों। इसमें भी देखें तो ये इसका लेफ्ट हैंड है, सॉरी, ये भी नहीं होगा। इसमें भी राइट हैंड है, मगर इसमें जो पैर की पोजीशन है वो एक के ऊपर एक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका राइट हैंड है और जो लेग है इसका ये भी राइट लेग है। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम हो जाएगी। तो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन योगा पोजीशन, ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज मार्क। तो ये जो पोजीशन है या ये जो पोज है वो ये वाली योगा पोजीशन का है। ठीक है, तो ये अगर टॉप व्यू है तो ये कौन सा व्यू हो जाएगा? ये है साइड व्यू, ये साइड व्यू है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल। यहाँ पर आपको दो डिफरेंट व्यूज दे रखे हैं सेम बाउल के। ये आपका कौन सा व्यू है बताइए? ये आपका अगेन टॉप व्यू हो गया। ये कौन सा व्यू हो जाएगा? ये भी टॉप व्यू है बेटा, ऊपर से, मगर इसमें जो बाउल्स रखी हैं वो कैसी हैं? अपसाइड डाउन। ओके, इन विच फोटो आर दी बाउल्स अपसाइड डाउन? आपसे पूछा है कि किस फोटो में, किस पिक्चर में जो बाउल्स हैं वो उल्टी रखी गई हैं? तो पिक्चर नंबर टू में। तो आंसर हो जाएगा आपका टू। लुक एट दी साइड व्यू इन फोटो थ्री टू फाइंड दी आंसर्स। तो यहां पर अगर हम एक और हमें दे रखा है फोटो, लुक एट दी साइड व्यू इन दी फोटो थ्री टू फाइंड दी आंसर। ठीक है ना, अगर हम फोटो थ्री में देखें और इसमें अगर हमें साइड व्यू बताना है, तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों बाउल्स का ये क्या है, साइड व्यू दे रखा है इस पिक्चर में। लुक एट दिस साइड व्यू इन फोटो थ्री टू फाइंड द आंसर। यहां पर अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। आपको साइड व्यू से टॉप व्यू को मैच करना है। अब पाइप, तो ये कौन सा व्यू हो जाएगा बताइए? पाइप दे रखा है और फनल, तो ये आपका फनल है।
तो ये फनल का तो टॉप व्यू हो गया, ये कौन सा व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, ये कौन सा व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये कौन सा व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया। ठीक है, तो ये पाइप और फनल के टॉप व्यू और साइड व्यू इस तरीके से आपको देखेंगे। आप बहुत इजीली इसको देख सकते हैं, जब आप किसी चीज को ऊपर से देखेंगे तो वो आपको इस तरीके से दिखेगी, और जब आप उसको साइड से देखेंगे पाइप को तो वो ऐसा दिखेगा, फनल को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो साइड व्यू टॉप व्यू ये हो गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है बेटा, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ए शू फ्रॉम द साइड टॉप एंड फ्रंट। आपको शू की एक पिक्चर बनानी है बच्चों, फ्रॉम द साइड टॉप एंड फ्रंट, ठीक है ना। उसके आपको तीन व्यू बताने हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक शू का साइड व्यू कैसा होगा, टॉप व्यू कैसा होगा, फ्रंट व्यू कैसा होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंट व्यूज ऑफ ए शू, यहाँ पर एक शू दे रखा है, उसके डिफरेंट व्यूज हैं बच्चों। ये है आपका टॉप व्यू, जब आप शू को ऊपर से देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जब आप साइड व्यू देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो ऐसा दिखेगा बेटा, और बैक व्यू लगेगा तो ऐसा दिखेगा। मेरे ख्याल से अभी ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपको डिफरेंट व्यूज एक शू के कैसे बनाने हैं या कैसे दिखेंगे, ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। ये आप सभी को कॉपी में भी बनाना है। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, जब गप्पू हवा में उड़ रहा था तो उसके उसने बताया था कि उसके घर के पास क्या है, एक पार्क भी है। डू यू रिमेम्बर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, हियर इज ए बिगर पिक्चर ऑफ द पार्क। यहाँ पर हमने क्या किया है, उसी पार्क की एक बड़ी पिक्चर बना के दी है, और यहाँ पर हमें इस पार्क को अच्छे से देखना है, और जो इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर पार्क में गेट हैं चार, ए गेट, बी गेट, सी गेट एंड डी गेट। ओके, तो आइए हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के पास सबसे नियरेस्ट गेट कौन सा है? तो बच्चों पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि स्वीट शॉप कहाँ पर है। तो मुझे तो स्वीट शॉप यहाँ पर दिख रही है, इसके पास वाला गेट बताइए क्या बी पास है या ए पास है। तो ए गेट ज्यादा पास है, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस, जो गप्पू का घर है उसके पास कौन सा गेट है? तो गप्पू का घर कहाँ पर है, मान लेते हैं गप्पू का घर ये है, ये मान लेते हैं गप्पू हाउस है, तो इसके पास सबसे पास गेट कौन सा है बच्चों, सी गेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी से एंटर होते हैं, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर, अगर आप गेट बी से एंटर होते हैं तो जो ग्रीन बेंच है वो आपके लेफ्ट राइट में होगी या फ्रंट में होगी। तो बी गेट देखते हैं, बी गेट ये रहा। अगर आप यहाँ से एंटर होते हैं तो आपके जो ये ग्रीन बेंच है ये किस उसमें पड़ेगी, डायरेक्शन में, लेफ्ट में पड़ेगी, राइट में पड़ेगी या फ्रंट में? तो आप बता सकते हैं ये लेफ्ट में पड़ रही है आपके, इसलिए आंसर हमारा लेफ्ट हो जाएगा। व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट। जब सुहासिनी एंटर करती है पार्क में तो जो फ्लावर बेड है मतलब जो गार्डन है वो क्या है, उसके राइट में। विच गेट शी डिड शी एंटर फ्रॉम, अगर वो एंटर कर रही है तो जो फ्लावर बेड है वो उसके राइट में पड़ रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ से एंटर होते हैं, सुहासिनी यहाँ से एंटर होती है तो ये रहा फ्लावर बेड, तो ये बच्चों बताइए कहाँ पर पड़ेगा, ये तो इसके लेफ्ट में पड़ रहा है, तो ये गेट से नहीं होगा। अगर एंट्री यहाँ से करती है तो फ्लावर बेड उसके राइट में पड़ रहा है, ठीक है ना, ये उसका राइट हो जाएगा सुहासिनी का, और ये फ्लावर बेड उसके राइट में है, तो सुहासिनी एंटर्ड फ्रॉम गेट डी, तो इसका आंसर हो जाएगा गेट डी। अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी, अगर आप गेट सी से एंटर होते हैं तो इन चारों में से कौन सी चीज सबसे पास होगी। आइए हम गेट सी देखते हैं, हमारा गेट सी कहाँ पर है, ये है हमारा गेट सी।
अब जब हम गेट सी से एंटर हो रहे हैं तो सबसे पास क्या पड़ेगा, बास्केटबॉल कोर्ट पड़ेगा या ये सी शॉ पड़ेगी। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, सी शॉ या ग्रीन बेंच। तो सबसे पास पड़ रहा है सी शॉ। आइए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो सबसे पास क्या ये है या ये है या ये है या फ्लावर बेड है, तो आप इजीली बता सकते हैं सबसे पास ये है। तो ये भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं, स्माइल्स होम, ठीक है। अब क्या है, ये स्माइल का घर है। ऑन द फोन स्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, ठीक है। द रूट मैप इज शोन हियर। क्या होता है, फोन पे स्माइल अपनी फ्रेंड श्रीजाता को अपने घर का रूट बताता है, ठीक है, और ये उस घर का रूट मैप है। ये रहा स्माइल का घर, स्माइल हाउस ये है, और ये रूट मैप है, और श्रीजाता का हाउस ये है। तो श्रीजाता तो यहाँ से आएगी ना, तो यहाँ से उसको यहाँ तक जाना है, तो वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन बताता है, वो फॉलो करेगी श्रीजाता। दैट इज वॉट स्माइल टोल्ड श्रीजाता। स्माइल ने श्रीजाता को क्या बताया था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम योर हाउस तुम अपने घर से क्या करना, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ पर पहुंचना पहले, एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम दिस सेकेंड क्रॉसिंग, ठीक है। लेफ्ट टर्न लेना, फ्रॉम दिस सेकेंड क्रॉसिंग टेक राइट टर्न। तो यहाँ तक चलते हैं, फ्रॉम द हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक लेफ्ट टर्न। तो श्रीजाता का घर तो ये है बच्चों, तो श्रीजाता से पहले क्या करती है, वो यहाँ से निकलेगी, पहले तो मिल्क बूथ पर पहुंचना है उसको, तो ऐसे जाएगी। ठीक है, ये गई इस तरीके से, ये यहाँ पर मिल्क बूथ पर पहुंच गई, ठीक है। मिल्क बूथ तक आते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या बोला गया है। मिल्क बूथ पे आइए एंड देन टेक लेफ्ट टर्न, फिर क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना है। तो मिल्क बूथ पे, यहाँ पर ये मिल्क बूथ था, फिर यहाँ से आगे आई तो यहाँ ये लेफ्ट टर्न था और ये राइट टर्न था, तो यहाँ जाना नहीं है, सीधे जाने के लिए मना किया, लेफ्ट टर्न यहाँ पर आ गई, ठीक है। फ्रॉम दिस सेकेंड क्रॉसिंग टेक ए राइट टर्न, सेकेंड क्रॉसिंग से क्या करना है बच्चों, राइट टर्न लेना है, ठीक है। तो सेकेंड क्रॉसिंग देखते हैं, आइए क्रॉसिंग क्या होती है, ये क्रॉसिंग है और ये वाली भी क्रॉसिंग है। तो फर्स्ट क्रॉसिंग बेटा ये हो गई, ये हो गई सेकंड क्रॉसिंग। तो क्या बोला गया, सेकंड क्रॉसिंग से राइट टर्न लेना है, तो ऐसे जाएगी श्रीजाता, फर्स्ट क्रॉसिंग सेकंड क्रॉसिंग। अब राइट टर्न कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ जाएगी, यहाँ तक आ गई श्रीजाता। अब देखो क्या बोला गया है, गो टू स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क, ठीक है ना। तो यहाँ से सेकेंड राइट लेने के बाद सीधे जाना है, सीधे जाना है, सीधे जाना है, फिर बोला है राइट टर्न लेना है, सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर दी ब्रिज, ठीक है। राइट टर्न लेने के बाद ब्रिज के ऊपर से जाना है, गो स्ट्रेट एंड देन टेक दी फर्स्ट राइट टर्न, और फिर पहला राइट टर्न लेना है। ब्रिज उसने क्रॉस किया, ये रहा ब्रिज, ब्रिज से गई और फिर पहला क्या बोला, पहला राइट टर्न लेना है। तो ये तो लेफ्ट टर्न हो गया, ये राइट टर्न हो गया। अब यहाँ तो ये गलती हो गई, स्माइल का घर तो लेफ्ट टर्न पर पड़ रहा था, मगर स्माइल ने क्या बोल दिया, राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न वो यहाँ पर आ जाती है श्रीजाता, ये गलत हो जाता है। ठीक है, देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क, व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू साइड लेन, माय हाउस इज द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन, ठीक है। डिड स्माइल गो रॉन्ग समवेयर, क्या स्माइल कहीं गलत हुआ था, कैन यू करेक्ट हिम, हाँ स्माइल गलत हुआ था, राइट की जगह क्या बोलना था, लेफ्ट टर्न लेना था, ठीक है बेटा। यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट टर्न। शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक द रूट दैट ही टोल्ड हर, अगर जो उसने रूट बताया है उसको वो फॉलो करेगी तो श्रीजाता कहाँ पहुंच जाएगी, दिखाइए। तो हमने दिखा दिया, तो श्रीजाता कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ से उसने अगर राइट ले लेगी 100 मीटर चलेगी तो श्रीजाता यहाँ पर आ जाएगी, इस पोजीशन पे आ जाएगी श्रीजाता, जबकि उसका घर उल्टे डायरेक्शन में था, ठीक है। राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग स्माइल्स हाउस टू श्रीजाता हाउस। अब आपको डायरेक्शंस लिखने हैं गोइंग फ्रॉम स्माइल हाउस, स्माइल के हाउस से श्रीजाता हाउस के लिए ये डायरेक्शंस लिखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके आगे का करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।